अस्सलाम वालेकुम अमिस किचन में मैं अरसला आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अम्मी खैरियत से हैं, आप सब की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया अमिस किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए अमिस किचन, आगे और भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और आज हम अमिस किचन में बहुत ही मज़ेदार सी जो है रेसिपी बना रहे हैं वेजिटेबल में है। और आज हम जो है ये चुकंदर मेथी गोश्त बनाने जा रहे हैं। आप लोग को इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। चुकंदर मेथी गोश्त बनाने के लिए हमने ये 3 पाव जो है गोश्त लिया है बीफ का, इसको जो है बॉईल कर लिया है। इसका पानी जो है, इसकी यखनी इसी के अंदर ही है। और ये 1 बिंच जो है ये मेथी का है, और ये तकरीबन आधा किलो चुकंदर है, उनको देखिए बॉईल कर लिया था। फुल बॉईल नहीं जो है, बस एक बॉईल करके इसको हमने चुकंदर को कर लिया है। और ये 5 टमाटर लिए हैं, इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और ये मसाले हैं, एक जो है बड़ी प्याज ली है, 1 टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्याली कुकिंग ऑयल डाल ली है, इसको गरम करके इसमें ये प्याज डाल दिया है। थोड़ी सी ब्राउन करनी है प्याज को। देखिए इधर प्याज हो गई है ब्राउन। अब ये हमने साबुत जो है ज़ीरा डाल दिया है। और अब ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, साथ ही साथ ये हल्दी और जो है कुटी हुई मिर्च डाल दी हैं, ये टमाटर डाल दिए हैं। देखिए व्यूअर्स ये कितने अच्छे से मसाला जो है भुन चुका है। अब ये गोश्त डाल रहे हैं, गोश्त जो है ऑलरेडी बॉइल्ड था, और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए व्यूअर्स साथ ही ये चुकंदर डाल दिए हैं, मिक्स करेंगे अच्छे से मसाले और गोश्त और चुकंदर अच्छे से जो है मिक्स हो जाएं। देखिए व्यूअर्स नमक डाल रहे हैं, आधी प्याली हमने पानी भी डाला है ताकि जो कसर है चुकंदरों में वो हो जाए इसमें की पानी में। और ये 1 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। ये 15 से 20 मिनट लगेंगे और फिर देखते हैं। देखिए व्यूअर्स ये तकरीबन हम 15 मिनट बाद देख रहे हैं, और देखिए ये गल चुके हैं। अब ये मेथी डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और ये हरी मिर्च डाल रहे हैं। देखें कितना अच्छा सा उसका कलर आ गया है चुकंदरों का। और ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है चुकंदरों का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मज़ेदार से चुकंदर मेथी गोश की रेसिपी। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। बस ये 5 मिनट और पकाएंगे, ये मेथी थोड़ा सा जो है हो जाए और फिर डिश आउट कर देंगे। और देखिए व्यूअर्स ये 5 मिनट के बाद देख रहे हैं, देखिए कितने अच्छा सा कलर आ गया है। और ये डन हो गया है मज़ेदार सा चुकंदर गोश्त। देखिए पानी ड्राई हो गया है पूरा मुकम्मल तौर पर। अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। और देखिए व्यूअर्स ये डन हो गया है मज़ेदार सा मेथी चुकंदर गोश्त। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये मज़ेदार सी मेथी चुकंदर गोश्त की रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर अभी तक आप लोगों ने अमिस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अमिस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।